हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। आइए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका मैसेज क्या है, मैसेज क्या है। पहला मैसेज है आपके लिए कि आपके पर्सन के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों के चलते ये बहुत ज़्यादा लाचार फील कर रही हैं या कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारियां सबके पर्सन की अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन की जिम्मेदारियां उनका परिवार हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर जो बोझ है या बर्डन है वो उनके छोटे भाई बहनों का हो सकता है, या अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन की जिम्मेदारियों में ये घर खर्च और पैसा और करियर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के ऊपर ये बर्डन सिर्फ और सिर्फ परिवार का प्रेशर हो सकता है कि नहीं, उनकी फैमिली बहुत स्टबर्न है। तो इस तरह की जिम्मेदारियों से रिलेटेड मैसेज यहाँ पर आया है। देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है आपके लिए कि ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन में सपने देखना, ये हमेशा हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, चीज़ें कैसे ठीक करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके साथ आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी या आने वाली ज़िंदगी के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, उनको ये कैसे दूर करेंगे, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में 24 आवर्स चलती हैं। और इन चीज़ों की वजह से इनके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इनका कहीं भी मन नहीं लगता, न पढ़ाई में न करियर में, जॉब करते हैं बिज़नेस करते हैं, इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। और क्या बताना चाहते हैं? फिर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी दुनिया हैं, आपके बिना ये बिल्कुल इनकम्प्लीट फील करते हैं। और आप जैसे ही इनके लाइफ में आते हो, भले आप इनको सिर्फ हाय हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, लेकिन इनको हमेशा फुलफिलमेंट फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब इनका मन हर जगह लगेगा, हर काम में मन लगेगा, खुशी खुशी ये कोई भी काम करते हैं। बट जैसे ही आप दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है या आप दोनों में ब्रेकअप होता है या ब्लॉक सिचुएशंस होती हैं, या तो आप बहुत शक करते हो या आपके ऊपर ये बहुत शक करते हैं, या आप दोनों के बीच में चाहे किसी भी रीज़न से अगर मुठभेड़ होती है, किसी तरह की झगड़े होना, तू-तू मैं-मैं होना, तो उसका असर इनकी लाइफ पर बहुत पड़ता है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बिना मैं जी भी नहीं सकता, इनसे दूर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, और इनके करीब जाओ तो छोटी छोटी बातों पर बहस होती है, रिश्ता डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ को लेकर उलझा हुआ फील करते हैं। तो आप देख लेना कि आपके पर्सन के लिए कौन सा मैसेज है, क्योंकि जो जो मैसेजेस आते जा रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, बाकी आपको खुद देखना होगा कि इसमें से आपके पर्सन से कौन से मैसेजेस आप तक रेजोनेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास है पेज ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के पर्सन आपको किसी और आईडी से या आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लाइफ में कोई और है, तो अब ये आपको मुझसे उनके कान में ये चीज़ें घर कर जाती हैं, क्योंकि आपको लेकर पॉजिटिव है और फिर ये शक करते। इस एनर्जी को आप वाइस वर्सा लीजिएगा, हो सकता है ये आप पर करते हो सकता है आप इन पर करते हो। इन चीज़ों की वजह से ज़्यादातर इश्यूज हैं इन्हें, डरते हैं ये आपसे, फियर की एनर्जी में रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इसको कुछ किसी ने कह दिया तो ये बरस पड़ेगी या बरस पड़ेगा, जिसकी वजह से आपसे थोड़ा फियरफुल एनर्जी में होते हैं कि आप शक ना करो, आप इन्हें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत टॉक्सिक लगने लगती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली स्पेशली जब न्यू मून या फुल मून की एनर्जी होती है तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ये इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं और इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी भी विश है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज़ ये भी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी आपके साथ इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो ये थी गाइस आज मॉर्निंग की एनर्जी और मैसेजेस। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।